तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आता है तो पता नहीं चलता है, तो इस समस्या को कैसे दूर करेंगे। जी हां दोस्तों, जब आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर कोई भी मैसेजेस आता है और आपको यहां पे नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करना है, देन फिर राइट साइड में नीचे की ओर जो है वो आपको अपने अकाउंट का आईडी दिख जाएगा, ठीक है, फोटो दिख जाएगा, तो इस पे जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें राइट साइड में कॉर्नर में जो है वो थ्री डॉट का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। फिर एक पॉपअप आएगा जिसमें फर्स्ट नंबर पे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों फर्स्ट नंबर पे ही नोटिफिकेशंस करके एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो इस पे टिक करना है। उसके बाद पाउज ऑल करके एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो अगर ये ऑलरेडी पहले से ही ऑफ है तो इसे ऑफ ही रहने देना है, और अगर ये पहले से ऑन हो रखा है तो इससे क्या करना है, ऑफ कर देना है। देन फिर यहाँ पे आपको मैसेजेस का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैसेजेस वाले ऑप्शन पे जो है वो टिक करना है और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे में एडिशनल ऑप्शंस इन सिस्टम सेटिंग्स करके एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अलाउ नोटिफिकेशंस अगर यहाँ पे पहले से ही ऑन है तो इससे ऑन ही रखना है, और ये अगर ऑफ है, ठीक है, तो इससे क्या कर देना है, ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद बैक आ जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेजेस रिक्वेस्ट या मैसेजेस फ्रॉम इंडिविजुअल एंड ग्रुप चैट्स का जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, अगर ये ऑफ हो रखा है तो इससे क्या करना है, ऑन कर देना है। यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी के सभी को आपको एक एक करके जो है वो ऑन कर देना है, ठीक है। और इन प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब आपके इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे जब भी मैसेजेस या कॉल्स आएगी, नोटिफिकेशंस आएगी, तो ऑफ कोर्स आपको पता चल जाएगा। इन्हीं कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।